आज है 30/11/99 की अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है पास विद आनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते जमा करो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। कौन से बच्चों की बात हो रही है? पास विदानर बच्चों की बात हो रही है, इसलिए बोला। आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिक्वेस्ट है। हाईएस्ट बच्चा भी है, अपने अपने ग्रुप का। अपने अपने धर्म का, अपने प्रकार की धारणाओं का हाईएस्ट बच्चा भी है और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट भी है। कौन से हैं अविनाशी खजाने? बाप के दिए हुए ज्ञान रत्न ही उन बच्चों के अविनाशी खजाने हैं, जिन खजानों से अकूत शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनगिनत गुण बच्चों में स्वतः ही समा जाते हैं, दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन वो तो एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। और आप बच्चों के ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने स्थूल रत्न बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। तो आप एक जन्म के रिचेस्ट नहीं हो, आप जन्म जन्मांतर के रिचेस्ट हैं। दुनिया वालों को तो एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा ये भी निश्चित नहीं है। आज अरबपति हैं, खरबपति हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए कहा जाएगा। दुनिया के हिसाब से जो आज रिचेस्ट है उनकी बात बताई, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म के रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। क्या कहा? जैसे जैसे ज्ञान सूर्य के उदय होने का टाइम नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे एक एक सेकंड की वैल्यू पुरुषार्थ की बढ़ती जाती है। इसलिए बोला कि आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई कर सकते हो, ये जानते हो।
ये हिसाब जानते हो ना, गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? अनुभव है एक कदम में पदम, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, बाप की याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। ज्ञान हो कोई और गुरुओं के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? एक ही दिन में बाप द्वारा और बाप की नॉलेज के द्वारा और बाप की याद के द्वारा एक कदम में पदम जमा हो जाते हैं। तो सारे दिन में जितने भी याद में कदम उठाते हो उतने ही पदम जमा कर लेते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला और कोई विश्व में होगा क्या? अथवा कोई है? सारे विश्व में चक्कर लगा करके आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा बाप द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। कैसा श्रेष्ठ? कि हर कदम में हमारे लिए पदम भरा हुआ है। एक दिन में भी कोई आत्मा लास्ट में आने वाली इतनी फास्ट जा सकती है कि अनेक जन्मों की कमाई नूद कर सकती है। अपने खजाने जानते तो हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो, ले रहे हो ना? सर्वाधिकार प्राप्त है ना या नहीं है? अधिकार प्राप्त कर लिया है। एक एक संकल्प ज्ञान युक्त श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। क्या गायन है संकल्प के बारे में? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, सारी सृष्टि रच डाली। तो आप ब्राह्मण बच्चों के संकल्प में भी अपने अनेक जन्मों की सृष्टि रचने का भाग्य लुधा हुआ है। एक एक ब्राह्मण बच्चा ऐसा बड़ा सितारा है जिन सितारों में एक एक में दुनिया बसी हुई है। तो उस दुनिया को श्रेष्ठ बनाना ये आपके संकल्प में अनुदा हुआ है। समय भी एक बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सब प्रकार की शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है।
एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। गहराई में जाओ तो कितनी बातों की कितनी नई नई रिसर्च सामने आ जाती है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते, वो तो सिर्फ मानते हैं, बिना जाने ही मानते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, आपने तो जान लिया है कि अभी समय की वैल्यू कितनी जास्ती है। एक एक श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। आप सबकी एक एक श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। श्वास श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है, चाहो तो वो अधिकार लो अथवा न लो, श्वास को व्यर्थ गवाए दो। लेकिन बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए। कोई बच्चे को अलग से पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ाई है। दुनिया में भी सरकार के जो टीचर्स होते हैं उन पर प्रतिबंध होता है कि वो क्या न करें, ट्यूशन न करें। तो दुनिया के लाज और कानून बनते कहाँ हैं, उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है। संगम युग में बाप आकर स्वयं फाउंडेशन डालते हैं। बाप कोई बच्चे को अलग से पढ़ाई नहीं पढ़ाता, स्पेशल कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, सब बच्चों को एक जैसा खजाना दिया है। सर्व दिया है और समान भी दिया है। कोई को एक गुण, कोई को दस गुण, कोई को सौ गुण ऐसे नहीं दिए हैं। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दे दिए हैं। सब दिया है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने तब। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा का बच्चा किसे कहा जाता है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा मुख की बात माने वो ब्राह्मण, जो ब्रह्माचारी बने, ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाला बने वो ब्राह्मण। तो बोला ब्राह्मण बनते ही समान रूप से एक एक बच्चे को सर्व खजाने बाप ने दिए हैं। कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे ही किसी बच्चे का ब्राह्मण जन्म हुआ और जन्मते ही सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चे खजानों को कितना जमा करते हैं वह कितना गवाते हैं ये हरेक का अपने अपने ऊपर है। गवाना या जमा करना हरेक को चेक करना है।
कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं अथवा कितना गवाते हैं चेक करते हो? चेक जरूर करना है। क्यों? क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए तो जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज विधि है। क्या विधि है? अनेक जन्मों की कमाई जमा हो सकती है, श्वास श्वास में, सेकंड सेकंड में। क्या विधि है? सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी कोई अंक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बहुत बढ़ता जाता है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा जो बीत चुका। कोई कोई भविष्य के लिए ड्रामा यूज कर देते, वो नहीं। ड्रामा किसके लिए? कब के लिए? जो बीत चुका वो ड्रामा, वो भी फुल स्टॉप। अर्थात बीती हुई बातों को बार बार याद करना, ये भी समय व्यस्त करना है। तो ड्रामा अर्थात बीता हुआ फुल स्टॉप, बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से बच जाते हैं, जमा हो जाता है। तो बिंदी लगाना आती है, छोटी छोटी बातें लंबी करना आता है, राई जैसी बात को पहाड़ बनाना आता है, या पहाड़ जैसी समस्याओं को बिंदी लगाना आता है। कोई कोई ऐसे होते हैं बड़ी समस्या को भी छोटा बना देते, हल्का बना देते हैं। और कोई ऐसे होते हैं अपना स्वभाव संस्कारी ऐसा बन गया है कि छोटी छोटी बात को लंबा करके राई से पहाड़ बना लेते। तो बिंदी लगाना आती है, ऐसे होता है। क्या होता है? कोशिश करते हैं बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय और ही लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिंदी के बजाय आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा करने का खाता उसकी विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। क्वेश्चंस की लंबी क्यू लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना, ये सहज है अथवा बिंदी लगाना सहज है? बिंदी लगाना तो बहुत सहज है, एक बच्चा भी बिंदी लगा सकता है। फिर क्वेश्चन मार्क की लाइन लंबी क्यों हो जाती है? आश्चर्य की लाइन लंबी क्यों हो जाती है? अरे ऐसा भी होता है क्या?
ऐसे क्यों होता है? जब ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो ऐसे भी होता है क्या? ये सब ज्ञान की कमी के कारण होता है। अगर ज्ञान पूरा ही रग रग में समाया हुआ हो, जो भी बातें बाबा ने बोली हुई हैं, वो समय पर याद आ जाए, तो हर बात में समस्या स्वरूप न बन करके समाधान स्वरूप ही बनेंगे। और जब समाधान स्वरूप बनेंगे तो सहज ही बिंदी लग जाएगी। तो जमा करने का खाता है, विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। तो विधि बहुत सहज है, प्रमाण और बाप की याद। प्रमाण में स्थिर रहना और बाप की याद में स्थिर रहना, ये है फालतू को स्टाप लगाना है। और मेरा बाप, एक बाप और मैं, तीसरा न कोई। तीस ग्यारह 99 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ। कौन कौन सी तीन बिंदी बताई? आत्मा की बिंदी, परमात्मा बाप की बिंदी और ड्रामा की बिंदी। तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल, ये व्यर्थ चले जाते हैं। समय का महत्व तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का महत्व तो याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण चला जाता है। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते हैं लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। एक घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं ये चेक करो। जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी बहुत दिलासे देने लग पड़ते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं है। संकल्प में थोड़ा थोड़ा चलता है। आगे चलकर हम संपूर्ण हो ही जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी कोई अंत थोड़े ही आया है, अभी तो थोड़ा समय पड़ा है ना।
तो समय आने पर संपन्न हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा का खाता बहुत लंबे समय का चाहिए, तब अंत मते सो गति होगी। अगर जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, अंत में थोड़े समय के लिए संपन्न स्टेज होगी और समय आने पर ही बनेंगे, तो बहुत समय का जमा हुआ, ध्यान रखना, बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है और थोड़े समय का जमा हुआ संपन्नता का खजाना थोड़े जन्म थोड़े समय चलेगा। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेतायुगी कोई बनेंगे, त्रेतायुग में जाकर के जन्म लेंगे, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाए देते हैं। अगर बहुत समय का खाता जमा होगा तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फिर फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। जमा हो जाएगा, हम आ जाएंगे, तो ऐसे गे 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 मत करो, नहीं करना। अभी ही हमको करना है, ये दृढ़ता का संकल्प आ जाए। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो बहुत वायदे करते हैं, दिल ही दिल में वायदे करते हैं, बाबा हम यह करेंगे यह करेंगे, कमाल करेंगे, कमाल करके दिखावेंगे। अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा कहते हैं सब वायदों को कर्म में लाओ, सिर्फ कहने तक सीमित नहीं रखो। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, सिर्फ संकल्प करने से या वाचा में लाने से भाग्य नहीं बनता है। भाग्य कब बनता है? दृढ़ता पूर्वक संकल्प में लाए और प्रैक्टिकल कर्म में लाए, तब ही भाग्य बनता है। तो जब बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, वायदे करते हैं, तो बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कर्म कभी कभी का हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना, तो निभाने से नंबर मिलते हैं। सिर्फ वायदा करने से नंबर नहीं मिलते, जो जितना वायदे को निभाते हैं उनको नंबर मिलते हैं। तो वायदा करने वाले तो बहुत हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो क्या करना है? संकल्प और कर्म को समान बनाओ। जो संकल्प करते हो उसे प्रैक्टिकल कर्म में लाओ।
प्लान और प्रैक्टिकल दोनों ही समान बनाओ। बनाए सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बहुत बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना, और इंजीनियर वैज्ञानिक वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं, और जो रूरल रूल करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई भी नहीं चल पाते। तो तीनों ही वर्ग, तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो? वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखा करके खुश कर देते। बाप दादा के पास हरेक बच्चे के वायदों की फाइल है, वायदों का फाइल रखने के लिए वहाँ अलमारी नहीं है, वह ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोल लेते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं, आपस में एक दूसरे की दिल का लेन देन करते हैं, ऐसे तो दिल की बात दिलावर को बतानी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे के दिल की लेन देन करते हैं, एक दूसरे को दिल देते हैं, दिल लेते हैं, आपस में ही बातें करते हैं। तो वो आपस की बातें भी बाप दादा सुनते हैं, समझते हैं बाप दादा को तो नहीं मालूम पड़ा। बाप दादा कहते हैं अभी व्यस्त के खाते समाप्त करो, व्यस्त को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात सब कुछ अलौकिक, इस ब्राह्मण जीवन का महत्व तो बहुत बड़ा है और प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना कब और किसी जन्म में नहीं, संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। क्या भाग्य है बड़े से बड़ा? संगम युग पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा भाग्य है। तो जो मुक्त है, बंधन मुक्त है, वो तो आराम से बाप के बन जाते हैं, बन सकते हैं। लेकिन जो बांधेली माताएं हैं, यह गृहस्थी की संभाल करने की जिनकी लंबी कतार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो बाप दादा भी सरेंडर नहीं करते, तो वो अपना भाग्य कैसे बनावेंगे? बाप कहते हैं अंदर से अपने को सरेंडर समझो, अपना जीवन अपनी बुद्धि को अर्पण में बनाओ। सब कुछ कोई बांध सकता है,
लेकिन मन को कोई नहीं बांध सकता। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बाप दादा भी कहते हैं कि मन बाप को दे दो, बुद्धि का अहंकार बाप को दे दो। तो बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने के महत्व को रखो। तीसरे 99 की अव्यक्तवाणी का तीसरा भेद, जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय महिमा कर सकते हो? एक घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा भाषण कर सकते हो? इस बात का संगम युग की महिमा का, तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते भी बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है, जब सुना सकते हैं तो जानते तो हैं। संगम युग की महिमा और उसके महत्व को जानते तो हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि एक मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। तो महिमा को इमर्ज रखो, संगम युग के महत्व को इमर्ज रखो और साथ साथ अपना ईश्वरीय नशा भी इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई या मैं तो हो गया, ऐसे नहीं, मैं प्रैक्टिकल में हूं, ये बात इमर्ज रूप में हो। निश्चय है लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा हो, वह नशा अपने को भी अनुभव होगा और दूसरों को जो देखने वाले हैं उनको भी अनुभव होगा कि ये नशे में है। कौन सा नशा बताया? रूहानी नशा का नाम क्या दिया? नारायणी नशा। कौन सा नशा? नारायणी नशा। तो सारा समय नशा रहे कि हम नारायण अथवा नारायणी बनने वाले हैं। पहला रूहानी नशा है मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाता। तो मैं कौन? मैं आत्मा एक बिंदु। इतने से नशा चढ़ जाएगा। अरे मैं आत्मा तो एक कीड़ा मकोड़ा भी है, आत्माएं तो सब हैं। चलो हमको आत्मा बिंदी हूं ये स्मृति हो गई, लेकिन ये तो एक सामान्य बात हो गई ना। गीत भी गा लेते हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई, फिर जब प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में आते हैं तो ये नशा कायम रहता है कि तू तेरे की मैं मेरे की, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। सदा काल का नशा कि मैं आत्मा, 84 जन्म लेने वाली पक्का देवता आत्मा हूं,
ये नशा अनेक जन्मों की प्राप्ति कराएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। क्या था तो सोचते रहे कि अभी कोई अंत समय थोड़े ही आ गया है, अभी तो टाइम पड़ा है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो ही जावेंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो ही जावेगा, उनका टीचर कौन है? समय टीचर है अथवा स्वयं परमात्मा टीचर है? समय तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जड़ समय चैतन्य आत्माओं का टीचर बनेगा क्या? अगर जड़ समय को टीचर बनावेंगे तो स्वयं की बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? जड़ बुद्धि हो जाएगी। समय ठीक कर देता है या समय ठीक कर देगा, इस तरह जो समय का आधार लेता है कि समय पर हो ही जाएगा, उनको पढ़ाने वाला टीचर भी जरूर ऐसा ही होगा। तो समय को टीचर नहीं बनाना, जड़त्व को टीचर नहीं बनाना, स्वयं परमात्मा आपका टीचर है। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाए देगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका टीचर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर आपका परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय आपका टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। समय रचना है या रचयिता है? समय आपकी रचना है। कैसे? समय रचना कैसे है? शूटिंग पीरियड में समय रचना कैसे है? शूटिंग पीरियड में बताया, पहले सतो प्रधान स्टेज है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ऐसे चार अवस्थाओं से आत्माएं गुजरती हैं। भले गुजरती हैं, लेकिन कोई आत्मा ऐसी भी तो है जो कलयुग में भी आकर के सुखी रहती है, मोस्टली नहीं रहती है। लेकिन कोई कोई आत्माएं हैं ऐसी तीव्र पुरुषार्थी जो कोई भी युग की शूटिंग हो रही हो, हर युग की शूटिंग में अंत तक संपन्न स्टेज धारण करके रखती है। तो उनके लिए तो तामस नहीं आया ज्यादा, जैसे देव आत्माओं के लिए बताया कि तुम बच्चे 3/4 हिस्सा ऐसे ड्रामा में सुख भोगते हो और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हो। तो ये कर्मों के आधार पर है या समय के आधार पर है? कर्मों के आधार पर है। बाप के बच्चों ने डायरेक्ट बाप से कर्म की गुह्य गति
का पाठ पढ़ा, धारण किया, तो बाप के जो देवी देवता सनातन धर्म वाले बच्चे हैं वो 3/4 हिस्सा सुख भोग सकते हैं। तो कल ही आधार हुआ ना, इसे साबित हुआ कि कर्म चैतन्य आत्मा करती है। अपने कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपनी सात्विकता इकट्ठी करती है। तामस आना अर्थात दुख आना, सात्विक वृत्ति बनी रहना अर्थात सुखी रहना। तो आप मास्टर रचयिता हो, चाहे सुख की सृष्टि रचो और चाहे कलयुगी दुख की सृष्टि रचो, कलह कलेश वाली। तो रचयिता का इंतजार रचना करे या रचना रचयिता का इंतजार करे? रचना है समय, दुख का समय लाने वाले अथवा सुख का समय लाने वाले आप हो। बाप तो आकर के सिर्फ रास्ता बताता है कि इस तरह कर्मों की गुह्य गति है, ऐसे ऐसे करने से सुख होगा और ऐसे ऐसे करने से दुख होगा। श्रीमत पर चलेंगे तो सुख होगा, अनेक मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे या मन मत पर चलेंगे तो दुख होगा। अनेकों की मत पर चलना माना रावण की मत पर चलना, अनेक मुख वाले की मत पर चलना, और एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बाप आया हुआ है, हीरो पार्टधारी रूप में आया हुआ है, उस एक की मत पर चलना तो जन्म जन्मांतर के लिए सुख इकट्ठा करना। तो रचयिता का इंतजार रचना करे ना कि मास्टर रचयिता समय का इंतजार करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। है सहज राजयोग और कहते हैं बहुत कठिन है। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि अपनी मन मत चलाते हैं अथवा मनुष्य गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। बाप जो श्रेष्ठ मत दे रहा है अथवा तो उस बाप को पहचानते नहीं है अथवा पहचान कर भी बाप की मत पर चलते नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कार खींच लेते हैं और मुश्किल बना देते हैं। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति अपने में धारण करनी है, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाए देते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, क्या बोझ कब लगता है? मेरा 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 करने से बोझ लगता है, समस्या महसूस होती है, कठिन लगता है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ बाप को सौंप दिया और अंदर से ये धारणा कर ली, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। तो बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता है, बोझ उठाते भी हो फिर थक जाते, फिर बाप को रहना भी देते हो। अब हम क्या करें, कैसे करें? तो अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो?
बाप ऑफर कर रहा है, इस बात की ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। तेरह जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो अपनी अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज भासता है, कभी मुश्किल भासता है। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, तो कभी सहज और कभी मुश्किल क्यों होता है? कोई तो कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती। बाप दादा को अंदर से ये बात बहुत लगती है कि बच्चे मोहब्बत में क्यों नहीं रहते, महसूस क्यों करते हैं मेहनत, ये बात अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों का टाइटल है और मुश्किल अनुभव हो। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मुश्किल को सहज करने वाला कौन है, सब मुश्किलों को सहज करने वाला भगवान है। अभी तो डायरेक्ट बाप आपको मिला हुआ है, टाइटल अपने को क्या देते हो, सहज योगी का टाइटल देते हो या मुश्किल योगी का टाइटल देते हो? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, कहना बंद करो कि हम सहज राजयोगी हैं, हमारा सहज राजयोग है। कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं, ऐसे। और योग है ही क्या, बस बाप को याद ही तो करना है ना, फिर मुश्किल क्यों भासता है, क्यों भासता है? दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। कोई से दिल लग जाती है तो क्या होता है, क्या होता है? जो जहां याद पहुंचनी चाहिए हठात उससे दूर ले जाते, ऐसा अटैचमेंट लग जाता है। जानते हैं कि इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, जानते हुए भी क्या होता है, जानते हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, फिर भी क्या होता है, नीचे जाते। बाप कहते हैं अभी पावरफुल योगी बनो। कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे? जन्म जन्मांतर एक हीरो पासधारी बाप के साथ प्रीति की रीत निभाई होगी, मोहब्बत में बंध करके रहे होंगे, तो संगम युग में भी वो अनुभूति होगी, सहज अनुभव होगा, क्योंकि अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है बाप के साथ निभाने का। अगर अनेक जन्मों में बाप को धोखा दिया है, कमजोर आत्माओं का पल्ला पकड़ा है, तो वो कमजोरी इस समय संगम युग में जरूर अनुभव आएगी। तो योग है क्या, क्या है योग? याद ही तो योग है, बस याद करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल तो कुछ हो भी नहीं सकता। पावरफुल योग
इसका लगेगा। कभी पावरफुल योग का अनुभव भी करते हैं, कभी बहुत हल्की याद का अनुभव करते हैं, और कभी बहुत कठिनाई से याद का अनुभव होता है। इसका राज क्या है? कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना आए। लेकिन क्या बनी है वो पास्ट का पता नहीं है। अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो परिवर्तन हो सकता है, होगा वही जो पूर्व जन्मों में हुआ है। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर आता है तो इससे समझ में आना चाहिए कि पूर्व जन्म में भी हमने परिवर्तन किया था। हम रावण माया के चंबे से बचे थे, फिर मुश्किल हो नहीं सकता। योग लगन की अग्नि है, जब लगन की अग्नि जाग जाती है, अग्नि तेज हो जाती है, तो तेज अग्नि में सोने का सारा कचरा भस्म हो जाता है। अगर साधारण अग्नि है तो कचरा भस्म नहीं होता है। तो ऐसे भी जिनकी लगन की अग्नि एकदम तेज हो जाती है, तेज होना माना अभी विचारी है, अगर याद करते करते बीच में कोई भी और दूसरा इंटरफियर करता है, हमारी याद को तोड़ता है, इसका मतलब पूर्व जन्म में भी उसने हमको इंटरफियर किया था अथवा इस जन्म में भी इंटरफियर किया है, तो बार बार स्मृति आती है। अभी पावरफुल योगी बनो, मुश्किल नहीं लगेगा। अग्नि को तेज कर दो। कौन सी अग्नि? लगन की अग्नि को तेज करो। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है ना। लोहे जैसे सख्त संस्कार हैं तो वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। ये लगन की अगर में मुश्किल है क्या? ये लगन की अगर क्या मुश्किल को सहन नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें ये वायुमंडल ही ऐसा है, साथ ही हमको ऐसे मिले हैं। अरे उन साथियों से लगाव किसने जोड़ा? कभी तो लगाव जोड़ा होगा ना। उन साथियों से जिन्होंने